सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं माय मिस आनंद चैनल के बारे में। उनके लगभग 10 मिलियन सब्सक्राइबर होने वाले हैं, 97 लाख कुछ थे, तो आज उनके बारे में बात करेंगे। सो उनका आपको पता ही होगा कि जो श्रुति आनंद चैनल है, जो श्रुति मैम है वो उनकी बुआ लगती है। उसके बाद ही उनसे ही मोटिवेट होकर उन्होंने ये चैनल बनाया था और अभी देखो आप वो भी कितना आगे बढ़ चुकी है। सो आई थिंक आपने अगर उनकी वीडियो देखी हो, वो बच्चों का मतलब जो वो लड़की है आनंद, वो मिस माय मिस आनंद जो चैनल है वो बच्ची का चैनल है। सो वही उसमें वीडियोस वगैरह बनाती है, बाकी सभी उसकी हेल्प तो करते ही हैं। खैर, एक इतनी सी बच्ची खुद ही एडिटिंग वगैरह तो सब कुछ कर नहीं सकती है, उनके घर वाले डेफिनेटली उनकी हेल्प करते होंगे। तो इनका जो चैनल है उसको लोग बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, तो मैंने वो चीज़ देखी और अभी मैं उन्हीं के बारे में बात करने वाली हूँ। तो अभी मैंने वीडियो देखी थी पायल जोन की, जिसमें वो बोल रही थी इनके बारे में, और इतना ही नहीं है और लोग भी बोलते हैं, सभी लोग क्रिटिसाइज़ तो करते ही हैं औरों को अगर कोई कुछ कर रहा होता है, बट कुछ पॉइंट्स क्या होते हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं होते हैं, तो उन्हीं के बारे में आज बात करेंगे। सबसे पहले तो पायल जोन कह रही थी कि वो उनकी दीदी है, जो श्रुति आनंद है, तो वो उनकी दीदी नहीं, वो उनकी बुआ है, ठीक है। एक ये चीज़ थी, और दूसरा जो उन्होंने कहा था कि जिनका चैनल है इसमें 10 मिलियन सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो दीदी अभी हुए नहीं है, होने वाले हैं। और दूसरा चीज़ उन्होंने ये बोला था कि इनका जो चैनल है, वही चीज़ जो सबके बारे में बोलती है कि ये कुछ करते नहीं है, फालतू के साउंड इफेक्ट डाल के रखते हैं पीछे से और ऐसा वैसा करके, तो यही लोगों को बताते हैं कि यहाँ पे तुम्हें हंसना है, तो लोगों को पता चलता है अच्छा हमें यहाँ पे हंसना है। कि मतलब उनका कहना ये था कि अगर बैकग्राउंड में वो साउंड इफेक्ट नहीं डालेंगे तो लोगों को पता नहीं चलेगा कि उन्हें हंसना कब है, यानी कि लोग क्या मेंटल है। और दूसरा उनको ये वो ये बोल रही थी कि जो उनके पंच होते हैं, इनके जोक होते हैं, वो बिल्कुल बकवास होते हैं, उनमें बिल्कुल हंसी नहीं आती है। आई थिंक यार, एक छोटा बच्चा किसी चीज़ को ट्राई कर रहा है और वो उस चीज़ को कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है। उन्होंने उनको देखा था, उनकी बुआ का चैनल था, वो भी लगभग बहुत उनके सब्सक्राइबर हैं, वो भी अच्छा कंटेंट बनाते हैं। स्टार्टिंग उन्होंने मेकअप से की थी, जहाँ तक मैंने देखा है ना, लगभग गर्ल्स के जितने भी यूट्यूब चैनल है उन्होंने शुरू मेकअप से ही किया था, आगे जाके उन्होंने थीम ही बदल दी। सो ऐसा ही उनके चैनल का भी था। उस टाइम पे वो इंग्लिश में वीडियोस बनाती थी, बिकॉज इंडिया में जो था यूट्यूब लोग ज़्यादा देखते नहीं थे, आपको पता ही है पहले डाटा कितना महंगा होता था, 97 रुपी में सिर्फ 300 MB मिलती थी, कहाँ पे अभी एक दिन में 1 GB मिलता है। सो उस टाइम पे यूट्यूब को कर पाना इतना इजी नहीं था जितना अभी हो चुका है, अभी तो हर घर में कितने क्रिएटर्स बैठे हैं। तो उस टाइम पे उन्होंने यूट्यूब चैनल शुरू किया था, और आई थिंक वो बाहर रहते थे जहाँ तक मुझे लगता है। उसके बाद उन्होंने चैनल शुरू किया तो उनके व्यूज़ भी अच्छे आए, तो उनको देख के होता ही है, अगर कुछ बड़ा घर में कोई बड़ा बंदा कुछ कर रहा होता है, बच्चे उसको डेफिनेटली कॉपी करता है। उस टाइम पे इन्होंने भी अपना चैनल शुरू किया और अभी आप देख सकते हो कि ये बच्ची है, इनके कितने सब्सक्राइबर, और ये कितनी पुरानी यूट्यूबर है। आई थिंक जो श्रुति आनंद का चैनल है वो 2011 का चैनल है, उस टाइम पे मैंने उनकी वीडियोस देखी थी, वो अपने वीडियोस बनाती थी और बाद में वॉइस ओवर दे देती थी, तो उस टाइप से उनका चैनल था। और ये जो ये बच्ची है, जो ये मिस आनंद जो करके है, इनका मैंने इतनी वीडियोस नहीं देखी हैं, कुछ कुछ वीडियोस देखी थी और मैं देखती थी यार ये बच्ची है और ये इतने सब्सक्राइबर है, इतने वीडियोस, तो यार ये है, पहली बात तो ये कि अगर कोई बच्चा कुछ कर रहा है तो आई थिंक हमें उसे प्रेस करना चाहिए कि अगर आप कर रहे हो अच्छी बात है, आप और आगे करो, क्योंकि बच्चे ही बच्चों को देख के सीखते हैं, बच्चे उनके चैनल को फॉलो करते हैं, तो शायद कुछ बच्चे उससे मोटिवेट भी हुए होंगे, कुछ बच्चों ने चैनल बनाया भी होगा। सो होता है बच्चों को देख के ही बच्चे सीखते हैं। उनका कहना था इसमें कुछ चीज़ें गलत दिखा रही हैं, जैसे महंगी महंगी चीज़ों को ये वेस्ट करती है। सो उसके बारे में तो क्या ही बोल सकते हैं, उनके पास है वो वेस्ट कर रही है, बट हाँ ये चीज़ है कि जब छोटे बच्चे उनको देखेंगे, अगर वो भी उसी तरीके से करने लगेंगे तो पेरेंट्स के ऊपर तो ये बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाएगा। सो ये चीज़, हाँ ये चीज़ थी, अगर वो इतनी महंगी चीज़ों को वेस्ट कर रही है तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोग जिनको देखते हैं फिर हम उनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं, तो सेम थिंग ये यहाँ पे थी। बाकी उनका कंटेंट बुरा नहीं होता है, मुझे तो अच्छी लगती उनकी वीडियोज़, पहले मैं देख लेती थी क्योंकि मैंने शुरू किया था उनकी बुआ की वीडियोज़ देखना, फिर उनकी वीडियो में मैंने इस बच्ची को भी देखा तो मुझे पता चला इसका अलग से YouTube चैनल है, मतलब भाई साहब इतनी सी बच्ची ने अलग से चैनल बना रखा है, तब मैंने देखा था तो मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लगा कि यार ये बच्ची इतना कर रही है। खैर, टाइम के साथ हम लोग परफेक्ट तो हो ही जाते हैं धीरे धीरे करके, और इनका चैनल काफ़ी पुराना है और ये बच्ची स्कूल भी जाती थी और उसके बाद अपना यूट्यूब चैनल भी बनाती थी, एडिटिंग तो डेफिनेटली कोई और करते होंगे, लेकिन मैंने इनकी एक वीडियो देखी थी जिसमें इनका थोड़ा इन्होंने दिखाया था सेटअप वगैरह, अपना घर वगैरह कैसे वीडियोज़ बनाती है, कैसे इनको आइडिया आया, तो वहाँ पर मैंने देखा था कि इनके पीछे पूरी टीम होती है। जब शुरू करते हैं तो
ये बाहर से आवाज़ आती रहती है। जब हम लोग शुरू करते हैं तो खुद ही करते हैं, लेकिन जो लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं तो वो अपनी वीडियो में और अच्छा क्वालिटी लाने के लिए, प्रोडक्टिविटी लाने के लिए अपने पीछे टीम्स रखते हैं, जैसे उनका एडिटर होंगे, उनका जो स्क्रिप्ट कोई और लिख के देगा, तो इस तरीके से वो लोग करते हैं। तो सेम थिंग इनके पीछे पूरी टीम, बच्ची की भी टीम थी, उनका यार चलो सही है। तो इस तरीके से मैंने देखा तो मुझे लगा चलो अच्छी बात है यार, क्योंकि ये लोग बच्चों के रोल मॉडल होते हैं, बच्चे बच्चों को देख के सीखते हैं, हम लोग अपनी एज ग्रुप के लोगों को देखते हैं और सीखते हैं। अगर हम अभी कुछ कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमने कहीं ना कहीं वो चीज़ देखी होगी जो हमारे माइंड में क्लिक हुई होगी और हमें लगा होगा नहीं हमको भी ये चीज़ करनी है, तो ऐसा होता है। तो आई थिंक यार उनको क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए, जो वो बच्ची है मुझे लगता है उसको प्रेज़ करना चाहिए और ज़्यादा, कि यार वो कर रही है कितनी उनके होता है। अगर हमारे घर में कोई ऐसा कर रहा होता कि कोई कुछ यूट्यूब कर रहा है, अधिकतर छोटे बच्चे नहीं ध्यान देते कि ये क्या कर रहे हैं, अच्छा जो भी कर रहा है, अगर मैं कर रही हूँ बाई चांस, चलो मैं इतनी बड़ी यूट्यूबर नहीं हूँ, लेकिन कोई बच्चा देखता है, बहुत कम ऐसे होंगे जिनके माइंड में आएगा कि मेरे को भी ये करना है। अधिकतर क्या होता है बच्चे नहीं ध्यान देते ऐसे वैसे, वो खेल में ज़्यादा लगे रहते हैं, लेकिन उस एज में बच्ची यूट्यूब वगैरह कर रही है तो बहुत बड़ी बात है कि इतनी सी बच्ची ने इतनी ज़्यादा कोशिश की है कुछ करने की। और दूसरी बात ये है कि ये मिस आनंद का जो चैनल है, मैंने पायल जोन के उसमें देखा था, उन्होंने इनको क्रिटिसाइज़ किया था, तो वहाँ पे मैंने देखा यार आई थिंक बच्चों को डीमोटिवेट नहीं करना चाहिए, उनको मोटिवेट किया जाना चाहिए। और अगर आप चाहो तो देख लेना उनकी वीडियो, और क्या बोल सकते हैं, आपको पता ही है आजकल वो सभी को एक्सपोज करने में लगी हुई है। सो मैं सिर्फ इतना, मैं उनके बारे में नहीं बोलना चाह रही थी, मैं चाह रही थी कि इस बच्ची को और मोटिवेट किया जाना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी है। अगर हमें हमारे बारे में कुछ उल्टा सुलटा कोई बोलेगा तो एक बार को बुरा लगता है। सो सेम थिंग है, वो तो बच्चे हैं, बच्चे तो जल्दी दिल पे ले लेते हैं चीज़ों को। सो बहुत सारे बच्चे उनके फ़ैन हैं, अभी आप मिलियंस में उनके फॉलोवर हैं, तो अधिकतर खैर उनके जो फैंस हैं वो बच्चे ही होंगे, ये तो पक्की बात है। और मैं देखती हूँ कहीं भी जाओ बच्चे उनकी वीडियो ज़रूर देख रहे होते हैं। एक बार मैंने उस बच्चे की वीडियो देखी थी, तो मैं जा रखी थी हमारे भैया के बच्चे, तो मैंने देखा यार वो भी उसी बच्चे की वीडियो देख रहे थे, मैंने कहा यार कितनी अच्छी बात है जिस एज में तुम उसकी वीडियो देख रहे हो, उस एज में उसने उस चीज़ों को बनाया है, किया है, क्रिएट किया है, वो अलग बात है उसकी फैमिली ने सपोर्ट किया है। तो यार सपोर्ट तो ज़रूरी होता ही है अपनी फैमिली में, अगर हम बच्चों को सपोर्ट नहीं करेंगे तो वो वहीं पर स्टक होकर रह जाएंगे। सो ये चीज़ मुझे उनकी फैमिली की भी अच्छी लगी, उनका पायल जोन बोल रही थी कि उनके जो चैनल है उनकी पूरी फैमिली में सभी के चैनल है, तो आई थिंक इसमें कोई बुराई नहीं है अगर आपकी फैमिली में सभी के चैनल है, अगर एक सक्सेसफुल हो जाता है तो और लोगों का भी मन करता है करने का, तो इसमें तो कोई बुराई नहीं है। खैर अगर उसके मम्मी पापा का भी चैनल है। सो बस इतना ही मैं आपको बोलना चाह रही थी इसके बारे में, मुझे तो पर्सनली ये चैनल बहुत अच्छा लगता है और इनकी जो बुआ उनके तो मैं फ़ैन हूँ, वो तो बहुत ही अच्छा कंटेंट लेके आती है, एक्टिंग इतनी अच्छी करती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है उनका जो वीडियोज़ होती है, उनका चैनल तो सुपर्ब है। सो वो डिज़र्व करती है इतने ज़्यादा व्यूज़ लेना, और जो उनके चैनल वीडियो ट्रेंडिंग करती है श्रुति आनंद की, तो यार वो डिज़र्व करती है, उनकी जो एक्टिंग होती है वो काफ़ी रियलिटी दिखाती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो आपको कैसा लगता है मुझे कमेंट करके बताना, और चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हो। तो चलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ और आपसे मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।